जैन साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ एमटीएस भर्ती 2021 के बारे में। और इस भर्ती के बारे में मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप सभी को बता दें कि जितनी बार सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हाइट को लेकर। लेकिन इस वैकेंसी में आप सभी को उसमें छूट मिलने वाली है। 165 सेंटीमीटर जिसकी भी हाइट होगी वो सभी लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी रहेंगी। और जो क्वालिफिकेशन है, ओनली 10th पास रखी गई है। उसके अलावा आपको कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टोटल पोस्ट ऑल ओवर इंडिया 987 यहाँ पे पोस्ट रहेंगी, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और वहाँ पे आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नोटिफिकेशन इसे जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल स्टेक होल्डर आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर व्यू कमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ दिस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन CRPF वेबसाइट। तो CRPF वेबसाइट पे इसे अपलोड किया गया है। CRPF.gov.in पे जाके आपको नीचे एक सेक्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे व्यू ऑल करेंगे तो आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो 3rd या 4th नंबर पे आप सभी को इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं न्यू दिल्ली की तरफ से इसे निकाला गया है और यहाँ पे 2021 का डाला हुआ, लेकिन यहाँ पे डेट नहीं दी गई है। आप सभी को बता दें कि CRPF में कुछ MTS की वैकेंसी निकाली जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, एवरी ईयर SSC भी MTS की वैकेंसी निकालता है, कुछ उसी तरीके की ये वैकेंसी रहने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये वैकेंसी रहेंगी, तो इसी के बारे में आप सभी को यहाँ पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। और इसमें कुछ रूल्स में चेंजेस किए गए हैं और उसी के लिए इन्होंने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को जारी किया है। कि जैसे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का मतलब है कि एक ऐसा ड्राफ्ट, ऐसा नोटिफिकेशन जो डिपार्टमेंट के लिए भेजा गया, जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद आपके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जितनी बार इस भर्ती की डिटेल है वो सारी डिटेल दी गई है, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। एज, क्वालिफिकेशन और आप सभी का जो फिजिकल क्राइटेरिया वगैरह जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन नंबर ऑफ पोस्ट, इन सब के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं और इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। उसके आगे चलते हैं, जैसे मेडिकल वगैरह एलिजिबिलिटी और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो बात आती है वो शेड्यूल, कि जो अब आपके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। अगर ये सारी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट आप देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका कांस्टेबल मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पे पोस्ट रहेगी, यानी MTS की यहाँ पे पोस्ट रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पे बात की गई है तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पे रहेंगी 987 यहाँ पे पोस्ट रहेंगी 2021 के लिए। और यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, सब्जेक्ट वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। तो हो सकता है ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है, ये वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करेगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जनरल सेंट्रल ग्रुप सर्विस ग्रुप में इसे रखा गया है, ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। और यहाँ पे नॉन गजिस्टर्ड जो वैकेंसी रहेंगी, और यहाँ पे देख सकते हैं नॉन मिनिस्ट्रियल की ये वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो लेवल 3 का पे मैट्रिक्स आप सभी को दिया जाएगा, जो कांस्टेबल के लिए यहाँ पे जो सैलरी होती है वही यहाँ पे आपको पे की जाएगी, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं, वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे बताया गया है। आगे बात करें एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूट्स यानी सीधी भर्ती की जाएगी, डिपार्टमेंटल भर्ती नहीं है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि डिपार्टमेंटल भर्ती तो नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है डायरेक्ट रिक्रूट। और नीचे भी आप सभी को उसमें प्रूफ दिखा दूंगा, उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि किसके लिए भर्ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज 18 से 25 साल यहाँ पे बताई गई है। और जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह होंगे या अदर जो भी रिजर्व कैटेगरी से होंगे, उन सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नियम है उनके अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। जैसे अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल 5 साल जो भी मिलती है वो छूट दी जाएगी। OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाती है, वो यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है कि एज आपकी कब से काउंट की जाएगी। जैसे कि अगर ये वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भरवाई जाती हैं तो उसके लिए वो डेट डिसाइड करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, उसके अकॉर्डिंग होगा। बट अगर इस भर्ती को CRPF करवाता है तो CRPF का क्या होगा, जिस दिन आपकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की, जो लास्ट डेट रहेगी उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए
और मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए वो क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, केवल 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड, तो जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं जिन्हें कोई छूट वगैरह नहीं दी जाती फिजिकल में, उनके लिए यहाँ पे देख लेते हैं। 165 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और सीना होना चाहिए 75 से 80। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए हाइट रखी गई है 155 सेंटीमीटर और यहाँ पे चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। कुछ कैटेगरी हैं जो कि एसटी वगैरह हैं, एसटी के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रहेगा और 75 से 80 सीना सेम ही रहेगा। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ कैटेगरी और बनाई गई हैं, उनके लिए यहाँ पे दिया गया, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह से बिलोंग करते हैं, कमायूं गढ़वाली वगैरह हैं, तो उनके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया गया, उस क्राइटेरिया को आप रीड आउट कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप रीड आउट कर पाएँ। नीचे चलेंगे तो नीचे कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिनके बारे में फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। वेट आप सभी को बता दें कि इसका जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो यही होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट लिया जाता है। वहीं पे मेडिकल स्टैंडर्ड आपका, मेडिकल में आपका जो भी मेल फीमेल होगा उन सभी की आंख चेक की जाएगी। राइट जो आपकी आई रहेगी वो 6x6 होनी चाहिए, लेफ्ट अगर आपकी 6x12 है तो भी आपका हो जाएगा, और वो 6x9 रहेंगी विदाउट ऑप्टिकल डिवाइस तो भी आपका काम हो जाएगा। वहीं पे नॉकनी, फ्लैट फुट, बैरिकोबिन्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी। नंबर 5 पे आप देख सकते हैं पूरा सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो दिया गया है। मस्ट क्वालिफाई द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपको मेडिकल, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सभी यहाँ पे क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी रिटन एग्जाम के बारे में यहाँ पे क्लियर आप सभी को नहीं बताया गया, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन आपका इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेदर एज एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूट विल बी अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोटर्स, तो यहाँ पे बोला गया नॉट एप्लीकेबल। और पीरियड ऑफ प्रमोशन इफ एनी, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि प्रोबेशन एक होता है जिसमें आपकी जो संविदा की तरह एक 2 साल के लिए होता है, उसके बाद ही आपकी जॉब कंफर्म मानी जाती है, और ये नियम जितनी बार सरकारी जॉब है उन सभी के लिए अप्लाई होता है। आप एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट में भी भर्ती हो तो वहाँ पे प्रोबेशन ड्यूरेशन होता है, तो यहाँ पे भी जो प्रोबेशन आपका ड्यूरेशन है वो 2 ईयर यहाँ पे रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई होंगी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वगैरह बताया गया, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वादा प्रमोशन और डेप्यूटेशन और द एप्रोबेशन यहाँ पे बताया गया है। तो बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये जो भर्ती है वो किस तरीके से निकाली जा रही है, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी डायरेक्ट भर्ती, सीधी भर्ती करवाई जाएगी जो कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दी हैं। आगे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के रिप्लाई दे दूंगा। इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जारी कर दिया जाएगा। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, तो आप सभी के लिए वैकेंसी आने वाली है, आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।